सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो भी बना रखी है, सी पैक्स की दिल्ली स्टेट कोटा की काउंसलिंग के ऊपर और ऑल इंडिया काउंसलिंग के ऊपर कि कैसा यहाँ पे एडमिशन होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मेन क्वेश्चंस की जो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे लोग हमसे रीच कर रहे थे और हमसे पूछ रहे थे कि डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग सी पैक्स क्यों नहीं आया है। तो हाँ, वो फर्स्ट राउंड में नहीं आया है, तो मे बी वो सेकेंड राउंड में आएगा कॉलेज और जो ऑल इंडिया के बच्चे हैं वो सी पैक्स में एडमिशन ले पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन एक ही है कि एफएमएससी जो डीयू की काउंसलिंग कराता है, क्या वही ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराएगा? तो जैसा कि डबल ए ट्रिपल सी पे नोटिस भी आया है कि इस बार डीयू की काउंसलिंग जो तिब्बिया कॉलेज है उसकी काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल सी नहीं कराएगा, तो आपको एफएमएससी से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उसकी काउंसलिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगी, बोथ स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा। तीसरा एक पॉइंट ये है कि कल ही आपका, मतलब कि 23 तारीख को ही आपका यहाँ का दिल्ली स्टेट कोटा की फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट भी हो गया है और कुछ बच्चे यहाँ पे रिपोर्टिंग करने भी आज आए हैं, और बाकी जिनका नहीं हुआ है उनका भी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में थोड़ी जो कट ऑफ है वो हाई तो जाती है और इस बार भी थोड़ी हाई गई है, तो हताश ना हो। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका एडमिशन आगे के राउंड में, जैसे सेकेंड राउंड, वॉप अप राउंड, उनमें हो सकता है, तो अपनी जो नज़र है काउंसलिंग पे बरकरार रखें और हमारी वीडियो को देखते रहें ऐसे ही। और आगे की वीडियोज में हम ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग की भी और दिल्ली स्टेट कोटा काउंसलिंग की भी। एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।